गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और रीडिंग भी कर रहे होंगे, लर्न भी कर रहे होंगे, ठीक है। और आप लोगों को जो मैंने अब तक के बताए हैं टॉपिक, वो अच्छे से नोटबुक में राइट कर लिए होंगे, उनको लर्न भी कर रहे होंगे। और राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? वी आवर दे देयर, क्या होगा? वी मीन्स क्या होता है? हम, अवर और दे और देयर, देयर वी अवर दे देयर, ठीक है। तो वी मीन्स हम, अवर मीन्स हमारा, दे मीन्स वे और देयर मीन्स उनका, उनका, उनकी या उनके, ठीक है। वी मीन्स हम, अवर मीन्स हमारा, दे मीन्स वे और देयर मीन्स क्या होता है? उनका, उनकी, उनके, उनका, उनकी और उनके। वी मिस हम, अवर मिस हमारा, दे मिस वे और देयर मिस उनका, उनकी और उनके, ठीक है। आप देखो, इस चैप्टर की मैं आपको यू, वी, We miss हम, O U R, O U R, our miss हमारा, our miss हमारा, they miss we और their miss उनका, उनकी या उनके, उनका, उनकी या उनके, ठीक है। फिर है यू, वाई ओ यू, यू मिस तुम या आप, वाई ओ यू, यू मीन्स तुम या आप, ठीक है। वी मीन्स हम, अवर मीन्स हमारा, दे मीन्स वे, देर मीन्स उनका, उनकी या उनके, यू मीन्स तुम या आप, यू मीन्स तुम या आप। आर का मैंने बताया ही था क्या होता है, सिंगुलर या प्लूरल में आता है ये। आर किस में लगेगा? सिंगुलर में लगेगा या प्लूरल में? आर लगेगा प्लूरल में। ए आर ये किस में लगेगा? प्लूरल में लगेगा। प्लूरल नाउन में क्या लगेगा? आर लगेगा, ठीक है। तो वी मीन्स हम, और मीन्स हमारा, दे मीन्स वे, देर मीन्स उनका, उनकी या उनके, यू मीन्स तुम या आप हो जाएगा, ठीक है। अब इस चैप्टर की रीडिंग करते हैं। ही सी, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। आई एम, आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा। आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो आई एम संजू, आई एम क्या लिखेंगे? आई एम, एस को क्या लिखेंगे? कैपिटल लिखेंगे, स्मॉल लिखेंगे? कैपिटल संजू, आई एम संजू। अब देखो राइट कैसे करना है इसको। आई को कैपिटल बनाओगे इस प्रकार से, आई के साथ क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। अब हम फर्स्ट लेटर तो हमने कैपिटल बना दिया है, फिर एस क्यों आ रहा है कैपिटल? क्योंकि किसी का नाम राइट करेंगे, चाहे वो नाम
बीच में आए, पीछे आए, कहीं भी आए, तो उसका फर्स्ट लेटर हम क्या लिखेंगे? कैपिटल लिखेंगे। तो आई एम संजू, मैं कौन हूँ? संजू हूँ। आई एम संजू, मैं कौन हूँ? संजू हूँ। फिर यू आर मंजू, यू आर मंजू, यू आर मंजू। यू का मैंने क्या बताया हा? आप या तुम मंजू हो। यू को इस प्रकार से वही नाम किस में लिखेंगे? कैपिटल में बनाएंगे। एम को थ्री लाइन में राइट करेंगे, एम ए एन जी यू। सबको कैपिटल नहीं बनाना है, ओनली फर्स्ट लेटर ही कैपिटल बनाएंगे, ठीक है ना? कभी किसी का नाम राइट करो तो पूरा ही कैपिटल बना दो। आई एम मंजू, यू आर मंजू। ठीक है, तुम कौन हो? मंजू। वी आर फ्रेंड्स। अब देखो, ये संजू है और ये मंजू है, ये संजू है और ये मंजू है, ये आई एम, दोनों एक जगह है। ये अपना नाम बता रही है, मैं कौन हूँ? संजू हूँ। और वो दूसरी क्या बता रही है? कि यू आर मंजू, तुम कौन हो? मंजू हो। तो दोनों साथ हो गई ना, तो यू आर मंजू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यू आर मंजू, तुम कौन हो? मंजू हो। ठीक है, प्लुरल नाउन के साथ हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। फिर है वी आर फ्रेंड्स, आप दोनों साथ हैं तो क्या लिखोगे? वी आर फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स। क्या जाएगा? आप दोनों क्या है? मंजू और संजू दोनों साथ में है तो क्या लगा दोगे? फ्रेंड्स, फ्रेंड फ्रेंड्स हो जाएगा। तो देखो, आई एम संजू, यू आर मंजू, दोनों पास में है। वो कह रही है मैं कौन हूँ? संजू हूँ। और तुम कौन हो? मंजू हो। तो दोनों साथ में हो गए ना, तो वी आर फ्रेंड्स, हम दोनों क्या हैं? दोस्त हैं। हम दोनों क्या हैं? दोस्त हैं। वी मिस हम, आर मिस हैं, फ्रेंड्स मिस मित्र, हम दोनों दोस्त हैं। दोनों साथ में हो गई ना, तो वी आर फ्रेंड्स, हम दोनों दोस्त या मित्र हैं। इस प्रकार से हम इसको राइट करेंगे। अब ये एफ को कैपिटल नहीं बनाना है, वी को, ओनली डब्लू को हम किस में बनाएंगे? थ्री लाइन में राइट करेंगे। आर को इस प्रकार से राइट करोगे और एफ को ऊपर की थ्री लाइनों में स्मॉल बनाना है, इस प्रकार से एफ आर आई ई एन डी एस, वी आर फ्रेंड्स, हम क्या हैं? दोस्त हैं। फिर नेक्स्ट है दोज आर अवर पेट्स, दोज रीज, ये सब मैंने बता दिए थे। दोज किस में आएगा? टी एच ओ एस ई, दोज के लिए क्या करोगे? दोज क्या है ये? दोज आर अवर पेट, दोज आर अवर पेट। आवर पेट, पेट मीन्स पालतू, क्या होते हैं? पालतू पक्षी होते हैं। तो क्या जाएगा? पालतू, दोज आर अवर पेट्स, दो हो गए ना, ये आर लगे, पेट्स दो हो गए, पालतू। दोज आर अवर पेट्स, दोज मीन्स वो, आर मीन्स है अवर मीन्स हमारे, पेट मीन्स पालतू पक्षी, दोज आर अवर पेट्स। पेट्स कितने हैं? दो हैं। तो दोज आर अवर पेट्स, वो हमारे क्या हैं? अवर मिस हमारे पालतू पक्षी हैं। अवर पेट्स आर वेरी लेजी, अवर लाइनों में राइट करके बता दूं। इसको हम इस प्रकार से लाइनों में राइट करेंगे।
नोटबुक की 4 लाइन है, उसमें हम नोटबुक में इस प्रकार से टी को बनाओगे, ओ को, एस को, आर को, अवर को और पी को, ठीक है, पेट्स, दोज आर अवर पेट्स। फिर है अवर पेट्स आर वेरी लेजी, अवर पेट्स आर वेरी, अवर पेट्स सॉरी पेट्स अवर पेट्स आर वेरी क्या जाएगा, लेजी, एल ए जेड वाई, एल ए जेड वाई, ठीक है, अवर पेट्स आर वेरी लेजी। हमारे जो पालतू पक्षी हैं वो क्या है, बहुत ही आलसी हैं, ये कह रही है हमारे, हम दोनों के हो गए ना, तो हमारे जो पालतू पक्षी हैं वो क्या है, बहुत ही आलसी है। फिर है वी यू और दे के साथ क्या लगाएंगे, हम क्या लगाओगे, वी यू और दे के साथ आर लगाएंगे, वी यू और दे के साथ क्या लगेगा, ए आर ई आर लगेगा। ये किस में आते हैं, प्लूरल में आते हैं, किस में आते हैं, प्लूरल नाउन में आते हैं। तो वी यू और दे के साथ हमने क्या लगाया है, आर लगाया है, देखो यू के साथ आर और वी के साथ भी आर लगा है, ठीक है, अभी दे आया नहीं है। अवर पेट्स आर वेरी लेजी, फिर है वी आर लव एंड कुश, वी आर, वी मिस हम, आर मिस हैं। अब ये दो है लव एंड कुश, कौन है, लव एंड, लव और कौन है, कुश। देखो ये लव है और ये कुश है, वी मिस हम हो गए, आर मिस हैं, लव एंड कुश दोनों हो गए, दो हो गए, तो वी मिस हम, आर मिस है, लव एंड कुश, लव और कुश हैं, हम लव और कुश है। प्रॉपर लाइनों में इस प्रकार राइट करना है आपको, वी आर ओनली एंड को कितनी लाइनों में लिखना है आपको, लव एल को, लव एंड कुश, इस प्रकार से प्रॉपर लाइनों में राइट करोगे इनको, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्कूल क्या जाएगा, वी आर गोइंग टू स्कूल, वी आर क्या आएगा, वी आर, वी क्यों आया, हम, आर मिस है, गोइंग मिस जाना, गोइंग जी ओ आई एन जी, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, वी मिस हम, आर मिस हैं, गोइंग मिस जा रहे हैं स्कूल, हम दोनों क्या कर रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं, दोनों हो गए ना, लव और कुछ दो जा रहे हैं, तो क्या लगाएंगे, वी आर गोइंग टू स्कूल, क्या आ जाएगा, वी आर गोइंग टू स्कूल। फिर है आवर स्कूल इज वेरी बिग, आवर स्कूल, आवर स्कूल इज वेरी बिग, हमारा जो विद्यालय है वो बहुत बड़ा है, हमारा जो विद्यालय है वो क्या है, बहुत बड़ा है, इसको आवर स्कूल इज वेरी इज इज वेरी वी ई आर वाई वेरी बिग
BIGBIG हमारा जो विद्यालय है वो क्या है, बहुत बड़ा है। हमारा विद्यालय क्या है, बहुत बड़ा है, ये आ जाएगा इसका। ठीक है, आज ये वी अवर दे देयर वाला टॉपिक मैं यहीं तक करवाती हूँ। कल जो हमने एफ तक क्या कर लिया था, कर्सिव राइटिंग में लेटर किए थे, आज हमें नेक्स्ट बता देती हूँ आपको। ठीक है, ये आपको क्या करना है, नोटबुक में राइट करना है, इनको अच्छे से लर्न करना है। अब अगला हमारा टॉपिक क्या है, कर्सिव राइटिंग का एक राइटिंग पेज आपको बता देती हूँ मैं, इनको भी नोटबुक में राइट करना है और लर्न करना है। स्पेलिंग मैंने बता दी इनकी, वी मीन्स क्या होता है, अवर मीन्स, दे देयर, ये किस प्रकार से आपको करना है। कल मैंने आपको कर्सिव राइटिंग बताई थी, इसके साथ ही वन पेज उसका बता देती हूँ आपको नोटबुक में किस प्रकार से उनको राइट करना है। ठीक है, एफ तक किया था हमने, कहाँ तक कर लिया था, एफ तक कर लिया था। कैपिटल लेटर ए बी सी डी ई एफ, एफ के बाद क्या आता है, जी, क्या आएगा, जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई, आई के बाद जे, फोर लेटर ही बता रही हूँ हमने कल, ए बी सी डी ई और एफ किया था। ठीक है, एफ के बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के और बता देती हूँ, ये हो गया के। अब देखो नोटबुक में कितनी लाइन होती है, फोर होती है, तो जी को हम कितनी लाइन में बनाएंगे, फोर लाइन में। ठीक है, एच को हम ये हो गया एच को थ्री लाइन में, आई को थ्री लाइन में, जे को फोर लाइन में, और ये हो गया के, क्या हो गया के। ठीक है, तो देखो जी ए बी सी डी ई एफ तक बना लिया था, एफ के बाद जी को इस प्रकार से हम ऐसे इसको राइट करेंगे, ऐसे पेंसिल लेंगे, ऐसे टर्न करके ऐसे कर देंगे, फिर एच को इस प्रकार से हाथ को ले जाके ऐसे कर देना है। ठीक है, कैसे, ऐसे ऐसे कर देना, नहीं आए तो नहीं, इस प्रकार से ऐसे कर देना। ठीक है, इस प्रकार, इस तरह से आई सब बना लोगे, इस तरह से ये क्या बन जाएगा, आई, और जे को फोर लाइनों में इस तरह से जे, फिर के को, ठीक है, ये हमारा के बन गया, जी एच आई जे और के, आ गया समझ में। फोर लाइन है ये नोटबुक की, ठीक है, यहाँ से हम इस तरह से पेंसिल को लेके ऐसे कर दोगे, फिर ये हमारी
पेंसिल यहाँ से इसको इस तरह करोगे, ऐसे करके इसको इस प्रकार से, ये बन जाएगा एच। आई को ये नोटबुक में इस प्रकार से आई बन जाएगा। आई के बाद ये जे बन जाएगा, जे के बाद और ये हम क्या बना देंगे, के बना देंगे। ये हमारा क्या बन गया, के बन गया। क्या बन जाएगा ये, के। इस प्रकार से आपको इनको फोर लाइनों में करना है। कितनी लाइनों में करना है इनको, फोर लाइनों में करना है। आप देखो इस लाइन और इस लाइन के टचिंग में ही बनाना है ये, ना तो इससे ऊपर जाना चाहिए ना इस लाइन के नीचे आना चाहिए। इनको टच करके यहाँ तक ही रखना है। एच को इस लाइन ऊपर वाली से और थ्री वाली लाइन तक ही बनाना है, इस फोर लाइन में नहीं आना चाहिए और ऊपर वाली जो लाइन है उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। आई को यहाँ से इस लाइन से और यहाँ तक ही टच करके बनाना है, ना इससे नीचे आना है और ना ऊपर वाली से ऊपर जाना है। आई को हम यहाँ से लेके और ये पूरी फोर लाइनों तक ही टच करके बनाना है, ना ये ऊपर जाना है और ना इसको नीचे लाना है। इसी प्रकार हम के को बनाएंगे, ये और ये इस दोनों लाइन के टच में बनेगा और ये यहाँ तक बनेगा और ये यहाँ बीच में रहेगा, ये यहाँ ना नीचे आए ना ऊपर जाए, ना ये ऊपर जाए या नीचे आए, ठीक है। अब ये आपको वन पेज नोटबुक में राइट करना है और जो मैंने बताए हैं वी दे वाले वो आपको करने हैं, ये आपको होम रन में करना है वन पेज, ठीक है। नेक्स्ट हम कल करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।